चलो है बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1 का एनसीईआरटी कराने जा रहे हैं और आपको सारा प्रॉपर्टी हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके आपको बनाना है। तो चलिए पहला यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, चलिए ये ऐसा जब क्वेश्चन आए तो लिखेगा बाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो चलिए इसके अनुसार हम अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, अभी देखिए हमको तो यहाँ पे दोनों को एक साइड लाना है, तो अगर हम इसको लास्ट में शिफ्ट कर दें, इसको लास्ट में शिफ्ट कर दें और इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें और इसको लास्ट में शिफ्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव, ये लास्ट में चला जाएगा माइनस थ्री अपॉन फाइव, और फिर ये लास्ट में होगा तो इसके साथ वन अपॉन सिक्स और प्लस फाइव अपॉन टू हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, इतना करने के बाद फिर लिखना है नाउ, नाउ बाय यूजिंग अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पे देख लेना दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ये हो गया। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि a इंटू बी, देखो b कॉमन है तो इक्वल टू लिख देंगे b इंटू फिर यहां क्या बच गया a प्लस सी, तो इस अरेंज करके हम कर देंगे। तो देखिए यहां भी कुछ कॉमन है ना, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस थ्री और ए कॉमन है ना, दोनों सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर भी सेम है। तो चलिए माइनस टू अपॉन थ्री इंटू कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, अगर हम टू इंटू फाइव लेंगे या थ्री इंटू फाइव लेंगे, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इस दोनों में कॉमन है माइनस थ्री अपॉन फाइव और इंटू फिर क्या बच गया यहाँ पे टू अपॉन थ्री और फिर माइनस के साइन वन अपॉन सिक्स बच गया और उधर प्लस हो गया फाइव अपॉन टू हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसका एलसीएम लेंगे तो सिक्स आ जाएगा, यहाँ पे हो गया टू इंटू टू, ये थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू आएगा और फिर उसको इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन सिक्स और ये दोनों एक में है और प्लस फाइव अपॉन टू हो गया, ये फाइव से फाइव कैंसिल, ये टू टाइम कैंसिल, अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए ये बच गया है, यहाँ पे तो माइनस है लगा हुआ, माइनस वन अपॉन टू बच गया और प्लस फाइव अपॉन टू बच गया। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकालते हैं फिर आगे चल के, तो ये एलसीएम आ जाएगा टू और माइनस वन और प्लस फाइव, रिजल्ट में आ जाएगा फोर अपॉन टू और ये टू टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा टू इसका आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलो बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पार्ट वन का, ये क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट में चलते हैं, अब उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका ये है और ये क्वेश्चन में पहले क्या करना है, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है और फिर ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको बागल में ले जाइए और बागल वाला को इधर लाइए, तो इसको लिखेंगे टू अपॉन फाइव इंटू माइनस थ्री अपॉन सेवन, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और उसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर्टीन इंटू टू अपॉन फाइव और उधर जाके माइनस हो जाएगा वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री अपॉन टू। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो ये कॉमन को हम बाहर कर देते हैं, टू अपॉन फाइव और इंटू का साइन देंगे और यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन फोर्टीन। अब ये तो बाहर चला है, अब कुछ बचा नहीं है। अब चलिए अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये थ्री टू जा कैंसिल आउट कर दो, वन अपॉन फोर बच गया। ओके, अब इस दोनों को एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा फोर्टीन, फोर्टीन को सेवन से डिवाइड करोगे टू टाइम में तो टू इंटू माइनस थ्री ओके और प्लस हो जाएगा यहाँ पे वन
और फिर इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और इनटू हो जाएगा 2/5, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस का साइन है 1/4। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3 2 - 6 + 1 और डिवाइड बाय 14, ये आ गया 1, और इनटू कर देंगे 2/5 से और माइनस 1/4। अब देखो इसको 2/5 करेंगे और इनटू माइनस 5 में 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/14 और माइनस 1/4, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये 7 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे फाइनली बच गया ऊपर में 1/7 और वो भी माइनस में आ जाएगा 1 और माइनस 1/4, दोनों को क्या कीजिए एलसीएम ले लिए, तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 28 होगा तो कितना बचेगा माइनस 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 का और फिर माइनस 7 4 जा और माइनस 7 ये हो गया इंटू 1, ये टोटल आपका कितना हो गया 4 और 7 - 7 = -11/28, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। चलिए अब पार्ट टू में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर।